दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कोलकाता से मिली करारी हार के बाद बुरी तरह से भड़के विराट कोहली ने दिनेश कार्तिक को लेकर किया बड़ा खुलासा और बताया आरसीबी की हार का सबसे बड़ा कारण। तो आखिर गुस्से में आग बबूला होकर क्या कुछ कहा विराट कोहली ने दिनेश कार्तिक को लेकर, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और दिनेश कार्तिक में से महान खिलाड़ी कौन? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 36वां मुकाबला कोलकाता और बेंगलोर के बीच खेला गया। इस मुकाबले में विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब ऐसे में कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार खेल दिखाया और कोलकाता की ओर से जेसन डॉय और जगदीश ने तूफानी शुरुआत दिलाई, जिसके बदौलत कोलकाता ने विशाल का स्कोर खड़ा कर दिया। आपको बता दें, कोलकाता ने 200 रनों का विशाल का स्कोर खड़ा किया, जहां कोलकाता की ओर से जेसन रॉय ने 56 रनों की पारी खेली, तो वहीं इसके अलावा नीतीश राणा ने 48 रनों की पारी खेली। तो वहीं दूसरी ओर आरसीबी की ओर से हसरंगा और विजय कुमार ने 2-2 विकेट लेने का कारनामा किया। अब लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम की ओर से विराट कोहली के साथ डुप्लेसी मैदान पर आए। बेंगलोर की शुरुआत बेहद ही शानदार रही, लेकिन तीसरे ओवर में डुप्लेसी आउट हो गए, जिसके बाद आरसीबी ने भी बैक टू बैक 3 विकेट गवा दिए और इस बार शहबाज अहमद और मैक्सवेल फ्लॉप साबित हुए, जहां शहबाज ने 2 और मैक्सी ने 5 रनों का योगदान दिया। जिसके बाद विराट कोहली और लोंगोर ने आरसीबी को लक्ष्य की ओर बढ़ाने की कोशिश की, जहां कोहली ने 54 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज एक ही ओवर में आउट हो गए। उसके बाद कार्तिक और प्रभु देसाई ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन उसके बाद दिनेश कार्तिक 22, प्रभु देसाई 10 और हसरंगा 5 रन बनाकर आउट हो गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोलकाता ने इस मुकाबले को 21 रनों से अपने नाम कर लिया। वहीं अब आरसीबी को मिली शर्मनाक हार के बाद विराट कोहली ने बड़ा बयान जारी किया है। तो क्या कुछ कहा विराट कोहली ने, चलो आपको बताते हैं। दोस्तों, विराट कोहली ने कहा, हम इस हार से नाखुश है, हम और भी बेहतर कर सकते थे, लेकिन शायद हमारा दिन अच्छा नहीं था। पहले हमारी गेंदबाजी में वो धार नजर नहीं आई जिसके लिए हम जाने जाते हैं। उसके बाद हमारे बल्लेबाजों ने भी निराश किया, हमारी शुरुआत अच्छी हो गई थी, लेकिन उसके बाद हमने बैक टू बैक 3 विकेट गवा दी। वैसे भी हमारा मध्य क्रम इतना मजबूत नहीं है, हालांकि लोमलोर ने अच्छी पारी खेली, लेकिन उसके बाद हम दोनों ही आउट हो गए। उसके बाद भी हम मैच को जीत सकते थे, पर दिनेश कार्तिक ने एक बार फिर हमें निराश किया। अब अंतिम ओवर में जब टीम को रनों की जरूरत होती है, तो वहां हमने कार्तिक को रखा है, पर कार्तिक ने हर बार हमें निराश किया और इस बार भी वैसा ही हुआ, जिसका खामियाजा आरसीबी को भुगतना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, हम गलतियों से सीखते हैं और इस हार से भी हमें सीखने की जरूरत है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम एक बार फिर दमदार वापसी करेंगे और आईपीएल 2023 का खिताब जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या विराट कोहली आरसीबी को आईपीएल का खिताब जिता पाएंगे या नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।